हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, संडे स्पेशल रेसिपी में आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की टिक्की। देखिए, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी लोग व्रत भी रख रहे हैं, तो व्रत में आपको एनर्जेटिक रहने की बहुत जरूरत है। साबूदाना आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है। और साबूदाने में अपन डालेंगे मूंगफली के दाने, जो वो भी आपको कैल्शियम और एनर्जी देते हैं। और साथ में अपन डालेंगे आलू, आलू से आपका पेट भरा भरा लगेगा आपको। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, एक स्पेशल बात क्या है कि साबूदाने को मैं ना गलाऊंगी ना बॉईल करूंगी, इसको डायरेक्टली अपन उसकी टिक्की बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा अभी वीडियो में। और इनकी फिर वो आपको मालूम ही है क्वालिटी सबकी। इसमें साबूदाना में कैल्शियम होता है, भरपूर कैल्शियम होता है, जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। किसी की हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, या किसी की बार बार फ्रैक्चर होता है, या जॉइंट्स में पेन रहता है, तो उसको साबूदाना मूंगफली खाना चाहिए। आजकल मूंगफली का बटर भी आ रहा है, तो वो भी आप, पीनट बटर जिसे कहते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं तीनों। और ये खास तो मैं व्रत के लिए स्पेशल बना रही हूँ। आप व्रत में इसको खाइए, दिन भर आपको एनर्जी रहेगी, आप दो तीन बार भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, कैसे बिना साबूदाने को भिगोए या गलाए या बॉईल किए अपन कैसे उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ये जानिए आप मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये सच्चा मोती का बड़ा वाला साबूदाना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कम आंच पे सेक लेंगे। इसको कितना भूनना है, इतना इसको सेकना है कि ये इसका कलर चेंज ना हो। देखिए, मैं अंदाजे से ले रही हूँ, 100 ग्राम मैंने लिया है लगभग। और ये आप 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम ही आपको ये मूंगफली के दाने लेने हैं। देखिए, मूंगफली के दाने मैंने पहले से सेक के रख लिए हैं, छिलका भी निकाल लिया है जितना निकले। देखिए, मैं सारे छिलके नहीं निकालती क्योंकि छिलके में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, फाइबर देता है छिलके आपको, इसलिए इसके छिलके कम से कम निकालना चाहिए, जो निकलते हैं वही निकाल लेना चाहिए। तो ये देखिए, ये हम साबूदाना भी अंदाज से 100 ग्राम इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 आलू। देखिए, आलू को भी हम बॉईल नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिए, बिना आलू को बॉईल करे, बिना साबूदाने को बॉईल करे, आप कैसे बना सकते हैं साबूदाने की सॉफ्ट खस्ता टिकिया। देखिए, रोस्ट हो तब तक हम ये मूंगफली के दाने को ग्राइंड कर लेते हैं, इसको बारीक पीस लेते हैं, दरदरा। देखिए फ्रेंड्स, ये रोस्ट हो चुका है, ये सिक चुका है और इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है। देखिए, व्हाइट ही कलर है वैसा ही। बस अपने को इसे 5-10 मिनट ही सेकना है लो फ्लेम पे। अब हम इसे ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। और ये देखिए, मैंने मूंगफली का भी ये पाउडर ये बना लिया है, इसको पीस लिया है, इसको थोड़ा सा दरदरा पीसा। देखिए, इसमें आ रहे ना, ये दिख रहा है आपको पीसेस, इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है और इसको एकदम पाउडर बनाना है बारीक। फिर उसके बाद हम पीसेंगे आलू। देखिए, आलू को मैंने छील के रख लिया है, इसके हम पीसेस कर लेंगे और फिर हम इसको भी पीस लेंगे। देखिए, पुदीना ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये ठंडा होने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये साबूदाने का पाउडर बन चुका है, अच्छे से बारीक पाउडर बन गया है। देखिए, इसको हम इसमें डाल लेंगे, इसे भी। देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना आपके पेट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आराम देता है, जैसे एसिडिटी, कब्ज और जो है गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम ठीक करता है। तो बहुत अच्छी चीज है, आप चाहे व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, साबूदाने का कुछ ना कुछ बना के खाया कीजिए। देखिए, अब हम इसी में हम गीला मसाला तैयार कर लेंगे। गीले मसाले में हम लेंगे आलू,
देखिए आलू को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग दो तीन जितनी भी आपको लगे हरी मिर्च, जितना तीखा खाते हो ये हरी मिर्च। एक डालेंगे आप अदरक का टुकड़ा और इसमें डालेंगे आप थोड़ा जीरा और ये मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, ये तीनों इसमें डाल देंगे और फिर हम इसमें निचोड़ देंगे नींबू। देखिए अगर आप व्रत में, बहुत से लोग नींबू और जो है जीरे का सेवन नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करते हो तो ये चीज स्किप कर दीजिए और नहीं तो इसमें टेस्ट के लिए आधा नींबू डाल दीजिए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे सबको। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब देखिए हम इसमें धनिया डाल देंगे। हमने हरा धनिया पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमको इसे दरदरा पीसना है, अगर साथ में डालते तो एकदम से बारीक हो जाता है। तो देखिए इसको डाल के अपन एक बार चला लेंगे या फिर आप वैसा ही कट करके उसमें डाल सकते हैं बाद में ऊपर से। देखिए अब हम सारी चीजें इसमें डाल लेंगे। देखिए आलू में सफिशियंट पानी होता है इसलिए पहले मिला लीजिए इसको, मिक्स कर लीजिए। फिर जितना आपको पानी लगे आप थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो दो चम्मच पानी इसमें ऐड करते जाइए, क्योंकि साबूदाना अपन ने सेक के पीसा है तो थोड़ा सा पानी तो पिएगा, इसलिए पहले आप इसको मिक्स कर लीजिए। फिर देखिए आपको कितना पानी और लगता है तो हिसाब से इसमें पानी डालिए, क्योंकि अपने को थोड़ा टाइट ही रखना है, अपने को इसकी टिक्किया बनानी है। देखिए अगर आप इसमें इसको व्रत के हिसाब से नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा आपको। देखिए टाइट हो चुका है, अब इसमें अपन थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऐसा ऐसा आपको दो चार बार पानी इसमें लगेगा थोड़ा थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से देखिए इसके गोले बना लीजिए आप। ये देखिए बहुत अच्छे इजीली बन जाते हैं क्योंकि इसमें बाइंडिंग एजेंट अपना काम कर रहा है आलू। आलू सबसे अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है। क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। देखिए अब हम इधर तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा टाइम लगता है साबूदाने को सेकना और
उसको ठंडा करके ग्राइंड करना और मूंगफली के दाने को सेकना, उसके छिलके निकाल के और फिर उसको पीसना। इन दो, अगर ये दो चीजें आप इकट्ठी करके रख लेते हैं तो ये प्रोसीजर बहुत इजी है। आपको 10 मिनट में, आपको 10 मिनट में ये टिकिया बनके तैयार हो जाएगी। तो 10 मिनट का काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस ये आपको इन दो चीजों में टाइम लगता है। अगर आप एक ही दिन ये सब करने लगेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मूंगफली के दानों को पहले से सेक के रख लीजिए, छिलके निकाल के, और साबुदाने को भी आप सेक के वो डब्बे में भर के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तेल गर्म हो जाए, फिर अपन डालते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए बनके तैयार हो चुकी है साबुदाने की टिकिया। देखिए अब हम इसमें 3-3, 4-4 तलते जाएंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे एक साथ, नहीं तो तेल ठंडा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हो चुकी है, देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका, देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं ये। एक बार ऑयल गरम करके और फिर आप लो पे कर देंगे गैस, फिर आराम से ये तल जाएंगी, 2-3 मिनट में एक एक तल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये तो हुई टिकिया, अब हम इसके साथ बनाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया है धनिया, इसमें डाला है सेंधा नमक और जो है थोड़ा सा पुदीना, ये हम पीस लेंगे इसके लिए। और इसमें आप नींबू अगर पसंद करते हैं चटनी में तो हम डाल लेंगे नींबू थोड़ा सा। अब मैं आपको बताती हूँ चटनी पीस के और ये सारी फ्राई करके। देखिए फ्रेंड्स तो ये है संडे स्पेशल रेसिपी, साबुदाने की टिकिया ग्रीन चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स मेरी चैनल देखते रहिए, ये व्रत त्योहार स्पेशल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।